हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रुमानास किचन। फ्रेंड्स, आज कोई कुकिंग की वीडियोस नहीं आने वाली। आज मैं आपको ले चलूंगी मनाली के दर्शन कराने। हम शिमला कुल्लू मनाली गए थे, उसकी वीडियोस मैंने ली है फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं अभी मनाली की टूर आपको कराती हूँ। हम कौन सी होटल में रुके थे और हमने क्या क्या किया, ए टू जेड सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगी। मेरा पूरा व्लॉग आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। आज मैं मेरी बेटी के साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आपको मेरी बेटी की भी आवाज़ सुनने मिलेगी। ये मनाली रोड है, हम जा रहे हैं। देखिए सिनेरियो देख सकते हो आप, काफ़ी माउंटेनियस रीजन है, आप देख सकते हैं। अभी देखिए टाइम लैप्स है गाइस, टाइम लैप्स है, नहीं इसे टाइम लैप्स बोलते हैं। उसमें हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था, आप पूरा बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। माई गॉड, उफ अल्लाह, वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, बस इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है यहाँ की गर्मी को छोड़ के वहाँ जाना। अब हम मनाली पहुंच चुके हैं, होटल की ओर हम जा रहे हैं और मैं आपको बताती हूं हम कौन सी होटल में रुके थे। कौन सी बेटा होटल थी? द शिवालिक। द शिवालिक होटल में हम रुके थे और ये टॉप फ्लोर था, फोर्थ फ्लोर। मैं रूम टूर भी आपको करा रही हूं फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ही गजब की होटल थी। ये इसका एंट्रेंस था, एंटर करते ही बहुत ही ज़बरदस्त सा देखिए आप रूम आ जाता है। और ये बहुत ही बढ़िया होटल थी, द शिवालिक होटल। मैं पूरा रूम टूर आपको दूंगी। और इसकी जो फ्रेंड्स बालकनी थी ना, वो बहुत ही गजब की थी, वहाँ से बहुत ही अच्छा सीनेरियो दिख रहा था। नहीं बेटा, बालकनी से कैसा व्यूज आता था, काफ़ी अच्छा, बर्फ ही बर्फ दिख रहा था, बहुत ही बर्फीला और बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ दिखता था। और यहाँ के फ्रेंड्स वॉशरूम की तो क्या ही बात करें। नहीं बेटा, कैसे थे, बहुत ही बड़े बड़े सी वॉशरूम थे और बहुत ही मस्त थे। और यहाँ का पानी कितना ठंडा था बेटा पानी तो इतना ठंडा था कि बस यहाँ पे यहाँ जितना गर्म था वहाँ उतना ही ठंडा था। मतलब इतना ठंडा था फ्रेंड्स पानी के, हाथ हाथ बर्फ की तरह ठहर जाते थे। और ये देखिए यहाँ पर एक किटली लगी हुई थी जिसमें हम चाय कॉफी अपने आप बना सकते हैं। हमने तो मैगी बनाई थी। हाँ, हमने इसमें मैगी बनाई थी और एंजॉय किया था, ठंडी ठंडी एटमोसफेयर में गर्म गर्म मैगी खाई थी। और ये देखिए अभी मैं बालकनी का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से इतना मस्त व्यूज़ आता था, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। देखिए मैं आपको बर्फ़ दिखाऊँ, आपको देखिए वो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है बर्फ़। और बहुत ही अच्छा पहाड़ी इलाका है ये। हम ऑफ सीज़न गए थे इसलिए ज़्यादा बर्फ़ देखने नहीं मिल रहा है, वरना दिसंबर जनवरी में ही पूरा बर्फ़ में ढका रहता है, पूरा ब्लैंकेट जमा रहता है इस पर। अगर आप हमारे गुजरात की गर्मियों से कंटाल चुके हैं फ्रेंड्स, तो ये मनाली का बेस्ट ऑप्शन है। इतनी बर्फीला एटमोसफेयर है यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। यहाँ पर हम दो से तीन ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं तो भी ठंड नहीं रुकती। और ये रूम टूर तो आपने देखी ली फ्रेंड्स। और अब हम कहाँ जा रहे थे बेटा, यहाँ पर सोलांग वैली अटल टनल के आगे। अच्छा, सोलांग वैली हम जा रहे थे, अटल टनल के आगे जो आती है सोलांग वैली, वहाँ पर तो बर्फ़ ही बर्फ़ थे। ये देखिए मैं आपको उसका नज़ारा दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। लोग पैसे देकर जाते हैं स्नोफॉल देखने और हम ऑफ सीजन गए थे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमको स्नोफॉल देखने मिली। हम इतने ज़्यादा लकी हैं, आप देखो स्नोफॉल इतनी क्लियर दिख नहीं रही है इसमें, बट बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। हाँ, स्नोफॉल तो बहुत ही अच्छी लग रही थी और बच्चों ने तो इतना एंजॉय किया। और आप देखिए पहाड़ देखिए, इसके बर्फ़ से पूरे पहाड़ छुप चुके हैं और यहाँ पर स्नोफॉल का इतना अच्छा नज़ारा था फ्रेंड्स, कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा था स्नोफॉल। और यहाँ पर बेटा अपने कहाँ रुके थे, अटल टनल के पहले सोलांग वैली का जो एंट्रेंस है वहाँ पे हम रुके थे। और क्या हुआ था, यहाँ से हमारी जो प्राइवेट कार थी वो उसे ऊपर ले जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बारिश हो रही थी, स्नोफॉल हो रहा था, इसीलिए प्राइवेट कार ऊपर नहीं जा रही थी। हाँ, जिसकी वजह से अटल टनल जो थी वो पूरी ब्लॉक हो चुकी थी और पूरी 400 प्लस कार्स जो थी वहाँ पे फंस चुकी थी, तो पूरा पुलिस बैरियर वगैरह सब लगा हुआ था, तो इनकी प्राइवेट कार्स में ये लोग लेके जा रहे थे। हाँ, तो हम लोग इनकी प्राइवेट कार में बैठ चुके थे, हमने दो कार की थी क्योंकि हम लोग दो फैमिली गए थे, दो जीप थी, जीप में बैठकर हमें ऊपर ले जाया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो इतने पतले पतले रोड आ रहे थे फ्रेंड्स और ये लोग इतने स्पीड में ड्राइव कर रहे थे, इनको कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं थी, इतने स्पीड में ड्राइव कर रहे थे। और आप देख सकते हो स्नोफॉल चालू ही है जो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही, लेकिन हम लोग इतने लक्की है फ्रेंड्स कि स्नोफॉल के टाइम पर हमें वहाँ का नज़ारा देखने मिला। पहले ये जो रोड्स थी वो पहले सिंगल रोड्स थी, लेकिन अभी इन्होंने एक्सटेंड कर दी है, डबल रोड कर दी है, बाकी पहले कुछ ज़्यादा ही एक्सीडेंट्स वगैरह होते थे। और इस स्नोफॉल की वजह से इतना स्लिपरी हो जाता है कि मतलब खुद के रिस्क पे जाना बहुत बहुत ज़्यादा ही रिस्की है, इसीलिए गाइड बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो वहाँ की लोकल्स हैं वो तो काफ़ी अच्छी गाड़ी चला लेते हैं,
गाइस चीफ जी ने कहे 4 दिन तो मनाली जाओ, मेरी मम्मी मतलब ये आपकी रुमाना किचन जो स्पॉन्सर करने वाली है मनाली का ट्रिप। नहीं ऐसे सपने मत देखो, पैसे तो आ नहीं रहे, क्या मनाली का ट्रिप देंगे हम। अच्छा है, काफ़ी अच्छा एटमोसफेयर है वहाँ पे। और यहाँ पर ऐसा फ्रेंड्स था कि कॉस्ट्यूम वगैरह हमें रेंट पे लेने पड़ते थे, ठंड की वजह से कंपलसरी थे जो भी कॉस्ट्यूम वगैरह थे, और इनके पास साइजेस अवेलेबल नहीं थे। माय गॉड इतने गंदे दे रहे थे भाई साहब, दिल ना करे इंसान का पहनने को। इतना डांटने के बाद उन्होंने अच्छे कॉस्ट्यूम दिए, मतलब फिट भी नहीं हो रहे थे नहीं बेटा। हाँ चार्जेस सेम लेते हैं और ऐसा काम। हाँ और फिट भी नहीं हो रहे थे, और फिर हमने बोला कि नहीं हमें तो कॉस्ट्यूम ही नहीं चाहिए, हमें आपके शॉप से। उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम वगैरह निकाले और हमारी साइज़ के भी फिट थे और परफेक्ट थे, और हम सब ने बच्चों से लेके बड़ों तक ने सब ने कॉस्ट्यूम पहन लिए। उसके बाद ही हम बर्फ़ में जा सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके शूज़ आते हैं वो भी हमें दिए गए थे, और ग्लव्स वगैरह हमने वहाँ से बाय कर लिए थे, टोपी वगैरह पहन लेने की थी। और आप देख सकते हो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, इतना बर्फीला माहौल था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने बहुत। ये तो नीचे नीचे ही था बट मेरे जो कज़िन्स थे वो ऊपर भी गए थे, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, स्लाइड वगैरह इतना स्लिपरी था सब। ऊपर चढ़ने में थोड़ा डर लगता है लेकिन एक बार चढ़ जाते हो ना भाई गॉड हाय, इतना अच्छा सिनेरियो भाई साहब, इंसान का दिल ना करे जाने को वहाँ से। जन्नत है जन्नत नहीं बेटा। हाँ एक तो फर्स्ट कश्मीर जन्नत है, कश्मीर में आप जाओगे तो वो तो पूरी जन्नत है, फर्स्ट नंबर कश्मीर का आता है, और सेकेंड नंबर मनाली का आता है फ्रेंड्स। मनाली भी कोई जन्नत से कम नहीं है, और ये इतना ज़बरदस्त सा एटमॉस्फेयर था फ्रेंड्स, वहाँ से आने का दिल नहीं कर रहा था, और बर्फ़ में खेलने की बच्चों से लेके बड़ों तक तो को इतनी मज़ा आ रही थी कि वहाँ से निकलने का दिल नहीं था। और आप देख सकते हो स्नोफॉल तो हमें पूरे रास्ते मिली थी, और अब मैं हम लोग रिटर्न में हैं। और देखो यहाँ पे जो मूवीज़ वगैरह मतलब पहले छोटे थे तब कार्टून्स में देखते थे कि ऐसे ट्री के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, वो क्लियर दिख रही है, इतनी अच्छी दिख रही है, इतनी अच्छी दिख रही है। आई लव मनाली। लेकिन फ्रेंड्स क्या हुआ, हम लोग बाय रोड आए थे तो हम लोग बहुत थक चुके थे, और अगर मनाली आपको आना है तो बाय फ्लाइट से आइए या ट्रेन में आइए तो आप बहुत एंजॉय कर सकोगे, या तो फिर किसी टूर उठती हो तो टूर में भी आप आ सकते हो तो आपको ज़्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा। और यहाँ पर नीचे उतर चुके थे हम लोग, नीचे उतरने के बाद ये याक खड़े थे, हमने याक राइडिंग की, और पीछे आप देखोगे ना तो ये बंजी ट्रैम्पोलिन है वो भी बहुत अच्छा है, अप्रॉक्सीमेटली 100 to 120 kg वेट वो लिफ्ट कर सकता है। याक में 2 राउंड्स थे और बेचारों की नोज़ पे बांधा हुआ था, इतना बेदर्दी से बांध रखा था बेचारों को, बट ठीक है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि वो काफ़ी वाइल्ड एनिमल है तो वो आपको एक सींग में पूरा मार देता है, सो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। और ये पूरा एक्टिविटी एरिया टाइप्स था, बहुत सारी चीज़ें थी, ATV बाइक राइडिंग जो आती है वो भी थी, बट इतनी कुछ खास थी नहीं क्योंकि उनके साथ उनका ही एक ड्राइवर आता है साथ में तो आपको तो ड्राइव करने मिलने वाली है तो इतना खास नहीं था वो। फिर जाइंट स्विंग था वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन जाइंट स्विंग हम ट्राई नहीं कर पाए, ये मैं और मेरा भाई हम दोनों ने ज़िपलाइन ट्राई किया था, बहुत अच्छा था, मतलब पहले थोड़ा डर लग रहा था लेकिन काफ़ी अच्छा था। एक स्टॉप पे आप जब पहुँचते हो उसके बाद 3 फ्लोर्स तक ऊपर चढ़ना होता है आपको, काफ़ी कच्चा रोड है पूरा चढ़ना पड़ता है, उसके बाद आपको सामने पहुँच के वापस वो भेज देते हैं। अगर आपको मेरा मनाली टूर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलामुअलैकुम।